इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। सरकार से तो हर बार किसान उम्मीद करता है भी, जैसे बीमा कंपनियां बीमा कर देती है, पिछली बारी पिछली फसल का हुआ उससे पहले हुआ बीमा कोई नहीं देता, बीमा करने आत्वाद कर दे मर्जी से कर देते हैं, देते किसी को नहीं, ना सरकार देती ना सरकार दबाव बनाती बीमा कंपनियों पर भी इनका दिया जाए। जैसे ओडम बैंक है उसमें बीमा बाकी बढ़ा है, ग्रामीण में पैसे आ गए थे, HDFC में आ गया था, PNB में बीमा आ गया, SBI का बीमा अभी तक नहीं आया। हमारे गांव के 4-5 किसान उनका आया बाकी नहीं आया, और जितने किसान थे ग्रामीण में HDFC में या PNB में उन सबको मिल गया। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा, 2 दिनों से बारिश हो रही है, अभी मौसम देखो बारिश होने को तैयार है। ये जैसे एक जड़ गलन की ये सफ़ेद मक्खी भी खूब आई थी, अब उखेड़ा भी खूब आ रहा है, आप जाके खेतों में घूमेंगे आपको पता लग जाए कितना रोजगार नुकसान हो रहा है, प्रतिदिन नुकसान बढ़ रहा है यहाँ। मेरा नाम शिशपाल है जी, हमारे गांव बनवाड़ा के अंदर फसल जो है बहुत ख़राब हो गई है, लगभग 90% ख़राब हो चुकी है, और सफ़ेद मक्खी और ये जलन सी हो रही है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो गई, और आने वाले टाइम में शायद आज बरसात और आ जाए तो और ज़्यादा 100 की 100 ख़राब हो जाएगी। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं, शायद पीछे दिया था मुआवजा उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उससे भी ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि ज़मींदार की लागत ज़्यादा हो गई है, खाद ज़्यादा हो गई है, चुगाई की ज़्यादा हो गई है, स्प्रे की कीमत ज़्यादा हो गई, हर चीज़ में बढ़ावा हो रहा है, बीमा हमारे को कम दिया जा रहा है, जैसे बीमे की हमारी किस्त काटी गई वो ज़्यादा काटी गई, उसी के हिसाब से जैसे पीछे 20,000 दिया था अब हमारे को 80,000 रुपये एकड़ दिया जाए, हमारी यही मांग है। सरकार के दिया था कोई बीमा बढ़ा दिया 16,500 रुपया, मान तो कि मिलने को नहीं फेर ले ली चीज़ एक नुकसान। कभी किसान क्या मांग करे, स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, फसल की दावरी होनी चाहिए, बीमा कंपनी वालों को भी आना चाहिए, नुकसान देखना चाहिए, यही है वो। तो क्या किसान इस नरमे में ही है या दूसरी फसलों में भी है? मेन तो नरमे में है, ग्वार में भी है, ये उखेड़ा सा शुरू हो रहा है, खराब होने लग रही है ग्वार, नरमे में तो काफ़ी ज़्यादा है, कई कई किसानों की तो बिल्कुल ही फसल बर्बाद होगी, बहुत ज़्यादा है जी, आज फिर मौसम खराब हो रहा है जी। इस नरमे में है दूसरी फसलों में भी है? दूसरी में है, ग्वार में भी है। अच्छा, नरमे में भी है। तो क्या उम्मीद करते हैं किसान सरकार से, सरकार मुआवजा दे, स्पेशल गिरदावरी कराए, बीमा कंपनियों से किस तरह की उम्मीद है किसानों को? बीमा कंपनी सरकार से यही है कि हमें मुआवजा दे। नुकसान तो बहुत है जी, पहला तो सूखा ही बजाऊ नुकसान हो जी, फसल उगी को नहीं खराब होगी, अब माड़ मोटी कोई जी भी उगी है, मेहनत करके किसान उगाई, अभी बारिश खराब होगी सारी, टोटली लगभग हमारे गांव के अंदर 80% नुकसान है जी। हाँ जी, तो नरमा में है दूसरी फसलों में भी? नहीं, नरमा में, नरमा में सबसे ज़्यादा है, और ग्वार में भी लगभग ना ही के बराबरी है जी। नुकसान हुआ है जी 80%, और भी मौसम खराब हो रही है, बरसात आ गई तो नरमे की ग्वार की सारी जगह बाजरी की सारी फसल चौपट हो गई, जमींदारों तो बहुत बड़ी जगह मार है, बीमो जो है पहला 550 रुपये किले को नरमे को, अब क्या सरकार 1650 रुपया कर दें दियो, तो बहुत ही दुखी हो रहा है बेचारा जगह, अब और मौसम ख़राब हो रहा है बेमौसमी, पहला तो बगैर बरसात जगह पर नाश हो सूखे वो है, अब 15 दिनों पिछले लगातार बरसात होने लग रही है। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद ये करते हैं भी हमें कोई 50-60 हज़ार रुपये किले का, मतलब 20,000 रुपये तो नरमे का, 20-25,000 रुपये तो खर्चा ही हो जाता है, जिस तरह से बीज का बहुत महंगा है, 2-3 पैकेट डालते हैं 1,000 रुपये का होता है, डीजल बहुत महंगा है, खाद स्प्रे बहुत महंगी, खर्चा तो सारा लग गया, तो किसानों तो यही है, रिक्वेस्ट है किसानों की, और क्या कर सकते हैं भाई, हमारी कोई मदद करे सरकार तो आगे बुआई भी हो जाएगी, और जिस तरह से गेहूँ की बिजाई है, सरसों की है, बाकी कोई हाल नहीं है किसानों का, मौसम ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है, पहले सूखा था, अब इस बरसात ने, सफ़ेद मक्खी ने, ये कि ये रोग नया आया है वो जड़ गलने वाला, पता नहीं क्या रोग है, उसकी कोई दवाई नहीं है, सारा नरमा ख़त्म हो गया।